ऑलमोस्ट 99% औरतें जो हैं वो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन का शिकार होती हैं। ये अपनी शादी के बाद करना, कोई भी ऐसा डेयरिंग स्टेप लेना है, अच्छा जब अभी आराम से बैठो शादी हो जाएगी फिर कर लेना। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत ही कॉमन फिक्र है, बहुत कॉमन जुमला है जो तकरीबन हर माँ कहती है कि नहीं मरी जाना है तो हस्बैंड के साथ जाना है शादी के बाद, क्योंकि आपको पहले वो टेंशन नहीं मिली होती लेकिन फिर एकदम जब मिलती है तो आपको लगता है कि हवाओं में आप आ गए। वो जो हमारा एक बबल ऑफ हैप्पीनेस होता है, हमने बनाया हुआ होता है क्रिस्टल, बड़ा शाइनिंग किस्म का बबल, उसको हम जी रहे होते हैं अपने माइयों, शायद जब से डेट फिक्स होती है उससे भी शायद बहुत बचपन से शायद जी रहे होते हैं कि अच्छा शादी होगी, ये होगा, वो होगा, इस तरह का माहौल होगा, वी विल बी लिविंग दिस लाइफ। वो बबल जब शटर करता है उसके बाद आपकी दुनिया बदल जाती है, और ऑलमोस्ट 99% औरतें जो हैं वो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन का शिकार होती हैं। डॉक्टर तैयबा, ऐसा क्यों है एक्चुअली? एक तो मैं सबसे पहले ही चाहूँगी कि आप अगर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन क्या फील है, फील क्या है? बेसिकली पोस्ट वेडिंग ब्लूज कह लें इसको, पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन कह लें, जिसमें आपने सैडनेस एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं इनिशियली। बेसिक सैडनेस है, हमें बहुत बचपन से ये ही पता होता है कि हमारे सारे जो ख्वाहिशात हैं जाके अपने पेके कार जाके, पेके नहीं ससुराल जाके करने हैं पूरे, ये अपनी शादी के बाद करना, कोई भी ऐसा डेयरिंग स्टेप लेना है, अच्छा जब अभी आराम से बैठो शादी हो जाएगी फिर कर लेना, तो हमने सोचा होता है और कि हम शादी के बाद बहुत कुछ करना है जी, ये भी करेंगे, घूमने भी जाएंगे, पार्टी भी करेंगे, सब चीज़ें हमने शादी के बाद करनी है। फिर उसके अलावा एक बच्चे की हमेशा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है दुल्हन, जब आप देखें बच्चियां हमेशा दुल्हनों के पीछे पीछे होती हैं, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल लग रही है, मेकअप किया हुआ है, फुल ज्वेलरी पहनी हुई है, एक एक नोक पलक उसकी खूबसूरत है, वो खूबसूरती जो है वो हमें फैसिनेट करती है कि जी हमने तो बहुत परी लगना है उस दिन, तो वो तो दिन हमारा है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है एक्सपेक्टेशंस ड्रामा से, मूवीज से, मैंने तो मूवीज से ही थी कि जी आपका पार्टनर ऐसा होता है, हाँ फिर हंसते हैं खेलते हैं, यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपने जो करना है मिलके करना है, अच्छा बुरा हो। मेरी मूवीज से, एंड मैं चूंकि एक रीडर हूँ तो मेरी नॉवेल्स से, नॉवेल्स में भी हीरो बहुत अच्छा होता है और हीरोइन भी बड़ी खूबसूरत होती है। अच्छा, तो यही है कि आपने, मुझे यही था कि ये सब कुछ ना एक बहुत खूबसूरत जिंदगी होती है शादी के बाद, जैसे बाग में चले जाता है बंदा, तितलियां हैं, फूल हैं, बहुत प्लेजेंट फीलिंग। जब मेरे ख्याल में मुझे अपने सवाल को रिफ्रेश कर लेना चाहिए कि शादी से पहले शादी के बारे में क्या सोचा जा रहा है, शी इज द वन हु इज प्रेजेंटिंग सो गुड। जी मैडम, तो ये सारी सोचे थी, और फिर आप जब आपका शादी का दिन आता है, पार्लर जा रहे हैं, मेहंदियां लग रही हैं, माइयों बैठ गए हैं, उबटन हो रहा है, वो एक हफ्ता जो होता है ना, तो आप बड़ा अच्छा फील करते हैं कि क्योंकि आपको इतनी अटेंशन मिल रही होती है, हर कोई आप ही को कोई काम भी नहीं कोई कह रहा, क्योंकि अब तो इसने दूसरे घर चला जाना, बड़ी प्रिंसेस वाली, हाँ प्रिंसेस वाली फीलिंग। अच्छा, उसके बाद तैयारी, प्लेटों में सब कुछ सर्व हो रहा है, ख्याल अम्मियाँ भी इतना ख्याल, कजने भी बहुत ख्याल के, अच्छा और आपको ऐसी देते, इसके सर पे भी हाथ फेर दो, इसकी भी जल्दी शादी, आपको लगता है मैं तो पता नहीं कितनी बड़ी बुजुर्ग हो गई हूँ, मुझे अब पता नहीं जिंदगी क्या स्टेटस चेंज में, हाँ मुझे बहुत कुछ मजा आने वाला है और अच्छा मैं एक लेवल अचीव, यानी दीज वर योर फीलिंग्स बिफोर गेटिंग मैरिड। मैडम अपनी फीलिंग्स बताइए बिफोर गेटिंग मैरिड। सबसे पहले तो हमारे जो इनकी बात को वही लिंगर ऑन करूंगी, हमारे यहाँ तो इतना होता है कि अम्मी कटिंग करा लूं, अच्छा अच्छा नहीं नहीं मैं भी आपको बिल्कुल, और हमारे यहाँ ये 90% फैमिलीज में यही चीज है कि इवन बच्चियों ने कटिंग भी करानी है ना, बालों का शेड भी कराना है, कुछ कराना है, अगले घर जाके कराना है, अच्छा यहाँ मरी जाना है, अपने बंदे नाल जाना, सॉरी जो हमारे यहाँ एक टिपिकल एक वो चीज है, तो बच्चियों को लग रहा होता है कि पता नहीं जब शादी होनी है तो हमें कौन सा नया जहान मिल जाना है, कैसी हमें फ्रीडम मिल जानी है, और फिर आपको एक बड़ा, जब शादी के दिन वही इनकी बात के करीब करीब आते हैं, आपको अपना बड़ा स्पेशल लगने लगता है, क्योंकि आपको पहले वो टेंशन नहीं मिली होती लेकिन फिर एकदम जब मिलती है तो आपको लगता है कि
हवाओं में आप आ गए हैं और वही शादी के वो जेन में भी, जैसे उन्होंने, मैं खुद भी बड़ी डाइजेस्ट करने वाली बंदी हूँ, तो वो हमें लग रहा होता है सारे खवातीन शुआ और वो सारे डाइजेस्ट जो है ना वो हमारे लिए बने हुए और हमारी स्टोरीज के ऊपर सेम हमें लग रहा होता है कि हमने किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जाना है जहाँ पे वही शहजादा हीरो और वही यानी कि बिल्कुल तारीफें कर रहा है कोई हमारी और रियलिटी उस वक्त कर रही होती है, लेकिन ये है कि आफ्टर सम टाइम्स भी पता चलेगा हमें, ये नेचुरल चीज भी है ना कि आपको एक ऑपोजिट जेंडर की अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी है, नेचुरल चीज है, तो आप उन चीजों को जो है ना वो आपको लग रहा होता है कि लाइफ और हर चीज जो है, मुझे शायद अब मौका मिलने लगा कि मैं अपनी यानी कि मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, यानी वो अपनी, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने रूबी की, आपको लगता है कि अब वो जो सदियों से था ना अपने घर जाके या अपनी चीजों को करना वो अब आप करने लगे हैं। जो पाकिस्तान की है वो सारी ही इस तरह से सोचती है कि एक एस्केप उनको मिल जाता है जो घर में पहले नहीं करने दिया जा रहा था या नहीं जाने दिया जा रहा था। कहीं रूबी ने जैसे कहा कि मरीज हुआ है वो शादी के बाद जाना अपने हस्बैंड के साथ, तो ये पाकिस्तान का एक बहुत ही कॉमन फिक्रा, बहुत कॉमन जुमला है जो तकरीबन हर माँ कहती है कि नहीं मरी जाना तो हस्बैंड के साथ जाना शादी के बाद। वो चीज़ हो गई, प्लस मैं कहूँगी कि रियलिटी से बहुत दूर कर दिया जाता है हमें, और हमारी माएँ हमें ये सिखा के नहीं भेजती हैं कि आपको एक या दो माह के बाद जाके रियलिटी चेक मिलने वाला है, तो हाँ, सब अच्छा दिखाया जाता है। उससे पहले जो हमारा भी तो वो खूबसूरत हम वक्त की बात कर रहे हैं, और जो अभी तो हम हमने अभी तो हम हवाओं में सैर कर रहे हैं, तो जो टर्म यूज की ना कि अपने घर जाके करना, तो हम बहुत ऐसा पहले अपने घर का एक वो इमेजिनेटरी नक्शा बनाना शुरू हो जाते हैं कि वो मेरा घर होगा, उधर मेरी हुक्मरानी होगी, जैसे मैं सोचूंगी वैसे कर पाऊंगी, जो जब दिल करेगा उठूंगी, जो दिल करेगा वो बनाऊंगी, बट जब हम बाद में आगे आते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जी वाकई ये होता है कि लड़की के ज़हन में ये होता है कि मैं अब जो है ना अपनी सल्तनत की मैं मलका बनने वाली हूँ, अब मैं अपनी मैं जो चाहूंगी आई विल डू ये जो एक शख्सी आजादी होती है उसके अंदर। अच्छा क्या ये ऐसा नहीं है क्योंकि अब जो हम देखते हैं, अब तो जो हमारी जो अभी जनरेशन आ रही है, जो अभी यूनिवर्सिटी में लड़कियां हमारी जाती हैं कॉलेजेस में, आप खुद भी पढ़ाती हैं, आप मुख्तलिफ लोगों को मिलती हैं, आप मुख्तलिफ लोगों के प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि अब ये वाला जो चीजें अभी हम बात कर रहे हैं इट इज अ लिटिल चेंज नाउ, अब लिटरली अब काफी चेंज है। मैंने तो अपनी बात की ना, लेकिन अब जैसे मेरे वाली माएं अगर वो खवातीन उस माओं के लेवल पे पहुंच गई, तो शायद जैसे मैंने इस अवेयरनेस के साथ कि मेरे किसी नॉर्दर्न एरिया में क्यों नहीं घुमाया गया शादी से पहले, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों को, मैं कश्मीर दिखा दिया, सवाद दिखा दिया, हमजा दिखा दी, मैं लेके जाऊंगी, मैं घुमाऊंगी, क्योंकि उन्हें ये रिग्रेट ना हो कि मेरे तो कभी घुमा ही नहीं, तो पता नहीं आगे शादी के बाद किस तरह का लाइफ मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती, मुझे कैसे क्या पता कि आगे लाइफ कैसी गुजरने वाली। शादी को कितना अरसा हो गया? शादी मेरी 2007 में हुई थी, निकाह 2006 में हुआ था, उसके 1.5 साल बाद मेरी रुख्सती हुई थी। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 21 years हो गए आपकी शादी? मेरी शादी को 8 years हो गए, माशाल्लाह। 2006 मैं सीनियर